दोस्तों आज का जो ब्लॉग वीडियो है मैं 2 वजह से शेयर कर रही हूँ आपके साथ। पहला ये है कि बर्थडे था मेरा, तो सभी मुझसे पूछ रहे थे कि तुमने बर्थडे पे क्या क्या इशू थी, कैसे अपना सेलिब्रेट किया बर्थडे। तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली कल जो मैंने वीडियो शेयर किया था आप लोग के साथ बर्थडे विश वाला, कि मेरे बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उन्होंने भी मुझे विश किया है अपने अपने तरीके से, बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। लेकिन क्या हुआ ना कि जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो आपको बता दूं मैं रात को 10 बजे वीडियो एडिट करने बैठी, क्योंकि कुछ लोगों की क्लिप आनी बाकी थी, वो लोग कह रहे थे कि मैं भेज रहा हूँ आपको। तो मतलब 10 बजे रात से मैंने शुरू किया और 12 बजे जब बजने वाले थे तो फिर सबका कॉल या मैसेज आना शुरू किया, तो रात को 1 बजे तक यही चल रहा था। फिर उसके बाद 1 बजे से मैंने अपना काम स्टार्ट किया, तो मुझे सुबह 5 बज गए थे वीडियो एडिट करते हुए। 5 बजे जब मैंने वीडियो अपलोड किया, तो उसके बाद क्या हुआ ना, कॉपीराइट क्लेम आ गया था। एक्चुअली बात, 2 यूट्यूबर ने मेरे साथ शेयर किया था, तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक की हैप्पी बर्थडे, वो अभी वीडियो में आपको नहीं देखने को मिला, तो उसकी वजह से क्लेम आ गया था। तो पहले मैंने सोचा कि एडिटर में जाके एडिट कर देते हैं, यूट्यूब YT स्टूडियो में होता है, बट वहाँ से मैं संतुष्ट नहीं हुई, तो मैंने वो वीडियो वहाँ से डिलीट मारा। और फिर सुबह 5:30 पे मैंने वीडियो स्टार्ट किया एडिट करना, बट आधे ज़्यादा एडिट था, तो मुझे आधे से 1 घंटा लगा, यानी 6:30 तक मैं वीडियो अपलोड कर पाई। लेकिन वीडियो एडिट करने के चक्कर में सारे यूट्यूबर्स के साथ मेरी एक क्लिप मिस हो गई, जी हाँ, और वो क्लिप थी राधा गर्ग जी की, राधा देवी की, और बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे क्लिप भेजी थी, और वो क्लिप मैं आप लोग से शेयर नहीं कर पाई। एक्चुअली पूरी रात जगने की वजह से भी शायद मैंने कई बार चेक किया, पता नहीं कैसे मेरी ऐसे इतनी सारी क्लिप्स थी तो मिस हो गई। और फिर एडिट भी कर रही थी फिर से, तो वो मुझे क्लिप्स ऑडियो निकालना था, नई ऑडियो डालना था, बाकी जो 2 क्लिप्स थी उसके चक्कर में मिस हो गई। तो राधा दी से मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, और ये दूसरा रीज़न है आज के वीडियो का। तो राधा दी, आपकी छोटी बहन से गलती हो गई, तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी। एंड क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, और दी को मुझे पता है कि अगर मैं दी की जगह मैं भी होती तो उन्होंने कितने चाव से वीडियो देखा होगा कल का, और वो क्लिप नहीं मिली, और मुझे पता भी नहीं था यार, क्योंकि मैं वीडियो एडिट करने के बाद, मैं अपलोड करने के बाद, मैं तुरंत ही फ़ोन ऐसा वहीं पड़ा रहा, और मैं तुरंत ही सो गई, और सो कर मैं उठी हूँ 11:30 बजे, तो मुझे पता ही नहीं था कि उसमें वो क्लिप है या नहीं है। तो मैं राधा गर्ग दीदी से माफ़ी मांगूंगी इस बात में, क्योंकि बहुत ही अच्छे यूट्यूबर है, बहुत ऐसे कंटेंट डालती हैं, मुझे उनकी वीडियोस बहुत ही पसंद है, आप लोग को एक बार उनके चैनल को ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। तो मैं आपको वो क्लिप दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही प्यार से उन्होंने विश किया है, और बहुत ही अच्छा लगा था मुझे उनकी विश सुनकर। तो थैंक यू राधा दी, आपने मेरे लिए इतना प्यारा सा वीडियो बनाया, वीडियो क्लिप बनाई, तो थैंक यू सो मच। तो मैं आप लोग को आगे वीडियो में वो दिखाऊंगी, साथ ही जो मैंने किया, ज़्यादा कुछ तो नहीं किया बट किया। और दूसरा थैंक्स मैं बोलना चाहूँगी अपने दी के लिए, कि घर पर मैंने मना किया था कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना दी, लेकिन दी ने मेरे लिए इतना सारा इंतज़ाम कर दिया, जबकि मैंने सोचा था कि कुछ नहीं करने वाले हैं। पर केक मैं नहीं बनाने वाली थी, बट बच्चे आफत मचाते कि मौसी केक खाना है, केक खाना, केक खाना है, तो फाइनली मैंने शाम को 7 बजे केक बनाया है, और 8 बजे उसे कट भी कर दिया, थोड़ा सा ठंडा भी नहीं किया, ऐसे ही कट करके सब लोग ने स्टार्ट कर दिया। और दीन ने हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाई हैं खाने के लिए, बड़ी चटपटी थी, मार्केट में अब सब कुछ बन जाए तो घर पर ही बनना है, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो आप लोग को आगे दिखाने वाली हूँ, तो दिखाने वाली क्या, चलो दिखाती हूँ। बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड पे मैंने केक बनाया, वैसे आपको बता दूँ मुझे केक बेकिंग करना आता है, लेकिन ये लॉकडाउन जो चल रहा है ना, तो मैं घर पे कोई और केक बना ही नहीं रही हूँ, सिर्फ ओरियो केक ही बन रहा है, सबसे ज़्यादा मुझे इजी लगता है। तो जब बच्चे सुबह से कह रहे हैं, तो मैंने शाम को ओरियो केक बनाया, और क्रीम वगैरह बनाने का टाइम नहीं था, क्योंकि केक बनने के बाद जल्दी होती है काटने की, तो यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्कुट के बिस्कुट इसमें सजा दिए हैं, उठ पड़ा बहुत ढंग से नहीं सजाया, बहुत जल्दी जल्दी में हुआ। और ये थोड़ा सा डेकोरेशन है केक की जो हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं, उनको बहुत मज़ा आती है, एंड बच्चे मतलब दीदी के बच्चे, और यहाँ पर आरवी नहीं माना है, तो यहाँ पे मैंने मना किया था कि कोई हार्ट शेप बताओ, ब्लू अच्छा लग रहा है ब्लैक के साथ, पर उसने नहीं माना, आखिरकार उसने रख दिया, बल्कि एक नहीं 2 पीस रखे। तो ये हमारा जो केक है वो बनके तैयार हो गया, कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना।
यहाँ पर संग्राम चल रहा है, लड़ाई मेरी और आरवी के बीच हो रही है कि केक कौन काटेगा। आरवी कह रहा केक मैं काटूंगी मैं काटूंगी। मैंने कहा चीज चल तू ही काट ले, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो किसी को भी केक काटने नहीं देते। तो आरवी ने भी मुझे केक नहीं काटने दिया, तो केक यहाँ पे कटाया जब तक केक कटने की तैयारी हो रही। चलो हम लोग राधा दीदी का ना हम लोग वीडियो देख लेते हैं। हाय श्रुति, हैप्पी बर्थडे डियर, ऑल द बेस्ट फॉर योर यूट्यूब चैनल। और मैं विश करूंगी कि आपके चैनल पर बहुत ही जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएं, और अपने बर्थडे को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना। बाय। थैंक यू सो मच राधा दी, मुझे आपकी ये विशेष बहुत अच्छी लगी और मेरे जो सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनको भी अच्छी जरूर लगी होगी, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। और यहाँ पे आरवी ने आखिरकार केक काट लिया है और केक काटते ही भाग गया, जबकि उसे केक भी खाना चाहिए। तो मैं उसे बुला रही हूँ और यहाँ पर मैंने अपनी प्यारी से परी को खिलाया, और ये देखो परी को नहीं खाने दिया, पूरा केक अपना खा गया। एंड अब मैं फिर परी को खिलाने वाली हूँ केक, और बच्चों को केक बहुत पसंद आया। ओरियो केक बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है घर पर, तो यही ईजी होता है, बच्चे मन से भी खा लेते हैं। और अभी देखना आरवी का मुझे केक खिलाने का स्टाइल ये देखिएगा। अब परी मुझे केक खिला रही है, तो आरवी ऐसा हो नहीं सकता कि आरवी ना खिलाए। उसने परी के हाथों से केक लिया और मुझे खिलाया, और अभी देखना कि ऐसे कोई केक खिलाता है जैसा आरवी ने मुझे खिलाया। ये देखिए ये क्या पर बहुत ही मज़ा आई थी सच में। तो यहाँ पे जो केक है वो कट गया है और हम एक दूसरे को खिला रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरी प्यारी दीदी ने मेरे लिए कितना सारा इंतज़ाम किया। दीदी ने पूरी टिक्की का इंतज़ाम किया था, बताशे हैं, पानी के बताशे हैं, टिक्की है, मीठे बताशे हैं, तो बहुत ही जमकर हमने पार्टी की थी। बाहर कुछ नहीं मिल रहा है, पर हमने घर में बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेशन किया। तो चलिए ना, मैं आप लोग के लिए एक पानी का बताशा प्रिपेयर करती हूँ, उसे बनाती हूँ आप लोगों के लिए। जो बताशा है वो पानी वाले पानी पूरी तो मैं आप लोग के लिए बना रही हूँ, तो एक जो बताशा है उसे मैंने फोड़ा और उसके अंदर मटर डाल रही हूँ। अब मैं डालने वाली हूँ यहाँ पे पानी, जो बतासे का पानी है वो इमली का पानी है, बहुत ही टेस्टी बना था। दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग बतासे यूज कर रहे हैं, आपको बता दें ये जो बतासे हैं ना वो फ्राई करने वाले हैं। एक्चुअली घर में हम लोग नहीं बनाते, बच्चे भी खा लेते हैं बड़े चाव से, तो हम लोग फ्राई करने वाले बतासे ही बनाते हैं और बहुत यमी लगते हैं ये भी। पानी के बतासे तो आपको खिला दिए, अब बारी है मीठे बतासे की। तो यहाँ पे मैं आप लोग को मीठे चटनी के बतासे खिला रही हूँ। तो यहाँ पे दो बतासे मैंने ले ली हैं पानी पूरी, तो मैंने इस पर कर गया उसको फोड़ कर, उसमें मटर डाल दी। अब मैं इसमें गुड़ और इमली की चटनी डाल रही हूँ, जो मार्केट मार्केट में ना बाज़ार में यही चटनी आपको मिलती है। और ये आपको बता दूँ, ये लखनऊवा चाट है, आपको लखनऊ में ऐसे चाट खाने का मिलता है, क्योंकि हर जगह की चाट अलग होती है। मैं दिल्ली रहती हूँ ना, तो वहाँ की चाट अलग होती है, वो लोग आलू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यूपी में ना मटर, सफ़ेद मटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपके यहाँ पानी के बतासे में कौन सी मटर करते हैं ये ज़रूर बताना। और मैंने यहाँ पर हरी चटनी भी ऐड की थी जो काफ़ी तीखी थी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही, आपको बताने में ना भूल गई, मुझे बताना भी है। एंड ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डालूंगी, और ये जो मसाला होगा भुना जीरा है और काला नमक है और सफ़ेद नमक है, और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च भी है, और ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा प्याज, अदरक एंड धनिया इसमें डालूंगी। तो ये जो हमारा पानी का बतासा है, पानी का बतासा नहीं है, दही का बतासा बन के तैयार है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। इसको देख के आपके मुंह में पक्का पानी आ गया होगा, आ गया ना, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, बताना मुझे। यार सच बता रही हूँ, एकदम मार्केट के बतासे भी फेल है, इतना ज़्यादा मज़ेदार। और ये दीदी की बढ़िया कुरकुरी चटनी वो तैयार है, टिक्की जो मैंने दीदी आपको नहीं दिखा रही हूँ, दीदी ने बना दी थी, अपना बना कर लाई है। तो ये टिक्की है, इसमें मटर है और इसमें प्याज है, धनिया है, और थोड़े से बतासे पर फोड़ कर, प्लस इसमें मसाला, हरी चटनी है, लाल चटनी है, और वही काला नमक, सफ़ेद नमक एंड जीरे का पाउडर है। तो इस तरह हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। तो दोस्तों चख के बताइए हमारी यूपी वाली चैट कैसी है। दोस्तों बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, थोड़ा रिकॉर्ड कर पाई, आई होप आपको अच्छा लगा हो ये रिकॉर्डिंग देखकर। एंड और हाँ, कल का वीडियो देखा है कि नहीं, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसे देखो, उस पर गिववे भी चल रहा है। मैंने बहुत ही असेंशियल चीज़ का गिववे रखा है जो आपके काम आ सकता है, तो गिववे क्या है फिलहाल तो उस वीडियो में ही पता चलेगा। तो जाके उसे वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्यारा सा कमेंट मेरे लिए करो। तो एक अच्छा सा कमेंट वहाँ पे करिए और उस वीडियो को देखिए, वीडियो के लिंक मैं आई बटन पे और वीडियो के एंड पे दे दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर विजिट करना। बहुत ही प्यारा वीडियो है, जिसने भी देखा है बहुत तारीफ की और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड जो भी यूट्यूबर्स थे, तो बहुत सारे जो मेरे बाकी सब्सक्राइबर थे और जो मेरे यूट्यूबर्स हैं जिनकी क्लिप नहीं आई थी, वो भी तारीफ कर रहे थे कि आपके दोस्त कितने अच्छे हैं। तो मैं उन सारे यूट्यूबर्स को एक बार फिर थैंक यू बोलूँगी, थैंक यू सो मच,
लव यू ऑल एंड आई होप आज का जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगे. अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना एंड कमेंट्स बॉक्स में बताना ये ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा. एंड फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत.